Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel Learn with Sherry। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डील करने वाले हैं दैट इज इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ट्रांसलेशन स्टडीज। हमारे पास ट्रांसलेशन की दो टाइप्स हैं, ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन। बेसिकली ये दोनों चीज़ें हमारे पास डील करती हैं विद द टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारे पास जो है हम ये कंसीडर करते हैं कि द टेक्स्ट इज़ द रिटन टेक्स्ट, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। टेक्स्ट जो है वो रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। ओके, सो जस्ट गेट इनटू दिस। Translation and interpretation are essential linguistic processes that facilitate communication across languages। लैंग्वेजेस के अक्रॉस कम्युनिकेशन को जो है वो फैसिलिटेट करती है ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन। यानी कि जब एक पर्सन एक लैंग्वेज का है और उसको अपनी बात कन्वे करनी है किसी ऐसे पर्सन को जो उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा, तो वहाँ पे हमारे पास क्या काम आएगी? ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन। Both the processes involve conversion of a text either written or spoken। This is the most important thing, either written or spoken। यानी कि टेक्स्ट जो है वो रिटन भी हो सकता है और स्पोकन भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज नॉट नेसेसरी कि टेक्स्ट जो है वो सिर्फ रिटन होगा या सिर्फ स्पोकन होगा। फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज टू द टारगेट लैंग्वेज ऑब्वियसली। ओके, कमिंग टू द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हमारे पास क्या होती है? Translation primarily involves the converting a written text from one language to another, aiming to convey the meaning accurately and minimal cultural nuances। Basically translation का मकसद हमारे पास क्या होता है कि हमने अपना जो meaning है, ठीक है, written text के अंदर जो चीज़ें कन्वे की गई हैं उसको हमने जो है वो ट्रांसलेट करना है किसी दूसरी लैंग्वेज यानी कि टारगेट लैंग्वेज में, ताकि उसके यूज़र्स हमारा पॉइंट समझ पाएँ, ठीक है। अब ट्रांसलेटर जो है उसके लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि उसको सोर्स लैंग्वेज आती हो। ट्रांसलेटर के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसको टारगेट लैंग्वेज भी आती हो। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि उसको सोर्स लैंग्वेज भी आती हो, टारगेट लैंग्वेज का कल्चर भी पता हो, उसको टारगेट लैंग्वेज का जो है वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका भी नॉलेज हो, उसको कॉन्टेक्स्ट का भी पता हो, एंड मोर देन दिस उसको इसकी इंटेंडेड ऑडियंस का पता हो। यानी कि जो टेक्स्ट है उसकी इंटेंडेड ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। इट गोज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेयरली कन्वर्टिंग द टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। कि इसमें हमारे पास सिर्फ ये काम नहीं होता कि हम जो है वो टेक्स्ट को अंडरलाइन वो करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रोल होता है ट्रांसलेटर का। वो क्या होता है कि उसको जो कॉन्वर्सेशन चल रही है या जो टेक्स्ट है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको प्रॉपरली उसको कवर करना है और उसके बाद उसको जो है वो ट्रांसलेट करना है दूसरी लैंग्वेज में। अलॉन्ग विद दैट उसको लैंग्वेज कल्चर्स का भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अब कोई भी स्कॉलर्स जो हैं अगर ट्रांसलेट कर रहा है और उसको अगर टारगेट लैंग्वेज के कल्चर का नहीं पता, तो ऑब्वियसली ही वुड नॉट बी एबल टू यू नो ट्रांसलेट दैट मच अफेक्टिवली। ओके, अब ट्रांसलेशन जो है इसमें जब डिफरेंट स्कॉलर्स वर्क कर रहे थे थ्रू आउट द हिस्ट्री, तो उन्होंने ना सिर्फ इसको न्यूमरस तरीके से डिफाइन किया बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव और अप्रोचेस भी डेवलप किए, ठीक है। अब ट्रांसलेशन का जो हमारे पास पूरा सिस्टम है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जो है इट इज़ डेवलप्ड ओवर टाइम और इसके अंदर हमारे पास हिस्टोरिकल मीनिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोरिकली वो अगर आप किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करें और आप उसकी हिस्ट्री नहीं पता आपको, तो ऑब्वियसली यू वुड नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट द टेक्स्ट, ठीक है। उसमें हिस्टोरिकल, सोशल, इंस्टीट्यूशनल और कल्चरल एस्पेक्ट्स हर चीज़ को हमें डील करना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम मेथोडोलॉजीज और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स भी डेवलप किए जिसके थ्रू वो ट्रांसलेशन कर सकें, ठीक हो गया। अब जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ट्रांसलेशन प्राइमरली इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग रिटन टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, एमिंग टू कन्वे मीनिंग एक्यूरेटली एंड मेंटेनिंग द कल्चर नॉर्म्स। यानी कि कल्चरल डिफरेंसेस को मेंटेन करने के लिए भी ट्रांसलेशन रोल प्ले करती है। ट्रांसलेटर जो है उसको प्रोफिशिएंट होना चाहिए सोर्स और टारगेट लैंग्वेज में, कल्चरल नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंडेड ऑडियंस ऑफ द टेक्स्ट, ठीक हो गया। It goes beyond the traditional understanding of merely converting text from one language to another। सिर्फ टेक्स्ट की बात नहीं है ये, इसके अलावा भी ट्रांसलेशन encompasses various forms of communication and expression reflecting the complexities of conveying meaning across languages. Scholars in translation studies have explored numerous definitions of translation, considering different perspectives and approaches developed over years. कि उन्होंने different perspectives और जो approaches हैं उनको बहुत सालों तक उन्होंने work करके develop किया. Okay. तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, इसको आप आगे पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है ट्रांसलेशन स्टडीज़ में ट्रांसलेशन की डिफाइन में आती हैं बेसिकली. मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन के हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जिनको डील करेंगे वो बेसिकली वो टाइप्स हैं जो यू नो ब्रॉडली यूज़ होती हैं, इस टाइम पे दुनिया में यूज़ हो रही हैं. दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन. ओके, द फर्स्ट वन इज लिटरेरी ट्रांसलेशन. अब लिटरेरी ट्रांसलेशन हमारे पास क्या होती है? लिटरेरी ट्रांसलेशन इज द वर्किंग विद टेक्स्ट इन इट्स ओरिजिनल लैंग्वेज टू प्रिपेयर अ वर्जन इन अ न्यू लैंग्वेज. कि हमें ओरिजिनल टेक्स्ट को, जैसे कोई हम लिटरेरी टेक्स्ट उठा लेते हैं, कोई लिटरेरी वर्क उठा लेते हैं किसी ऑथर का, किसी राइटर का, हमें उस वर्क को जो है डील करना है और उस वर्क का एक प्रॉपर न्यू वर्जन तैयार करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम उसको जो है वो एक नई लैंग्वेज में प्रिपेयर करेंगे. ठीक हो गया. दिस वर्क प्रमोट्स ब्रॉडर रीडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. नेक्स्ट हमारे पास आ गई प्रोफेशनल ट्रांसलेशन. प्रोफेशनल ट्रांसलेशन क्या होती है? ओके अब इस दुनिया में हमारे पास डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, जैसे मेडिकल का प्रोफेशन है, जैसे हमारे पास डॉक्टर्स के अलावा हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है, उसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर है, उसके अलावा हमारे पास टेक्नोलॉजी है, डिजिटल वर्ल्ड है. ये सारे के सारे जो प्रोफेशंस हैं हमारे पास इस टाइम चल रहे हैं, हर प्रोफेशन का कुछ ना कुछ हमारे पास जो है वो वैल्यूज होते हैं, ठीक है, हर प्रोफेशन के कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उसके साथ साथ उसके जो है वो कुछ वर्ड्स होते हैं, उसके रजिस्टर्स होते हैं, उसके स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, ठीक है. तो ये जो प्रोफेशनल ट्रांसलेशन है ये एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेशन है, जिसमें हमें हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो है वो मेंटेन करना होता है और डिफरेंट एरियाज और इंडस्ट्रीज में अप्लाई करना होता है, ठीक है. अब प्रोफेशनल ट्रांसलेशन के लिए हमारा क्या है कि हमें एक नेटिव चाहिए टारगेट लैंग्वेज का, ठीक है. ये ज़्यादा अफेक्टिव तरीका है किसी भी प्रोफेशनल ट्रांसलेशन को करने का कि आप टारगेट लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर से ट्रांसलेशन करवा रहे हो, ठीक है. और इसके बाद हम क्या करेंगे कि उस बंदे से ट्रांसलेशन करवाएंगे, लेकिन सिर्फ उसका नेटिव स्पीकर होना ही काफ़ी नहीं है. टारगेट लैंग्वेज का नेटिव स्पीकर होने के साथ साथ उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाएं, जिनके बाद वो अपनी लैंग्वेज को अफेक्टिवली अंडरस्टैंड कर पाए. ठीक हो गया. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, टेक्निकल ट्रांसलेशंस. अब टेक्निकल ट्रांसलेशन जो है ये प्रोसेस है ट्रांसफरिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्निकल टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू एन अदर. कि ट्रांसलेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, टेक्निकल ट्रांसलेशन खास तौर पे, कि वो टेक्निकल टेक्स्ट के मीनिंग को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करती है. अब इसमें हमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है? साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज की. कि अगर हम किसी टेक्निक पे, किसी टेक्नोलॉजी पे बात करें तो हमें उस चीज़ का जब तक पता नहीं है वी वुड नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट अफेक्टिवली. ओके, प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल टर्म्स एंड जार्गन. जार्गन क्या होता है? किसी भी फील्ड का, किसी भी यू नो मेडिसिन, फॉर एग्जांपल मेडिसिन की फील्ड है तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं जो सिर्फ मेडिसिन की फील्ड में ही यूज़ होते हैं, तो वो उस मेडिकल की फील्ड का जार्गन है, ठीक है. इन बोथ सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेज द एबिलिटी टू ट्रांसपोज कॉन्सेप्ट्स विद प्रिसिजन. कि उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ में जो है वो प्रॉपरली उसके ऊपर अबूर हासिल हो, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों के, ठीक है. और उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो कॉन्सेप्ट्स को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करेगा और उसके साथ साथ उसकी जो क्वालिटी है वो भी मेनटेन करेगा, यानी कि मीनिंग भी प्रॉपर कन्वे करेगा. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशंस. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशंस क्या होती है? ये ट्रांसलेशंस वो ट्रांसलेशंस होती हैं जो हम डिफरेंट जगह पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, लाइक बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, कॉरपोरेशंस में यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ यूज़ कर रही हैं, मिनिस्ट्रीज़ यूज़ कर रही हैं, म्यूनसिपलिटीज़ यूज़ कर रही हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेली एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज इम्पॉर्टेंट. डेली एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस. कि वो लैंग्वेज वो ट्रांसलेशन जो हम यूज़ करते हैं डेली एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट प्रोसेस में, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो होगी इन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय अ ट्रांसलेटर, ठीक है, कि एक ट्रांसलेटर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जो की चैलेंजेस हैं ट्रांसलेटर को जो फेस करने पड़ते हैं, उनमें सबसे पहला चैलेंज हमारे पास है लिंग्विस्टिक चैलेंज। अब लिंग्विस्टिक चैलेंज कौन कौन से हैं? लिंग्विस्टिक चैलेंज में उसके लिए ट्रांसलेटर को एक्सप्रेशंस को जो है वो ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब हम किसी भी ट्रांसलेशन को वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि उसको लिटरली ट्रांसलेट करेंगे, तो हमारे पास हो सकता है बहुत ही डिफरेंट यू नो मीनिंग्स क्रिएट हो जाए, हमारे पास बहुत ही डिफरेंट चीज़ें क्रिएट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं हॉट डॉग की, ठीक है। अब ये जो हॉट डॉग वर्ड है हमारे पास, इसमें हॉट मीन्स गरम, ठीक है, एंड डॉग मीन्स यू नो द एनिमल, जिसको हम कुत्ता कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमने इसको क्या किया, लिटरल ट्रांसलेट किया, ठीक है। हॉट को लिटरल ट्रांसलेट किया, उसके बाद हमने डॉग को लिटरल ट्रांसलेट किया। अब हॉट डॉग का जो मतलब है वहाँ पे, वो हमारे पास एक फूड को रेफर कर रहा है, ठीक है। हॉट डॉग बेसिकली क्या है हमारे पास, एक फूड है ना, लेकिन यहाँ पे हॉट डॉग क्या बन गया, दिस, ठीक है। तो दिस इज समथिंग लाइक एक प्रॉपरली मीनिंग चेंज हो गया हमारे पास, एक ऑड सी सिचुएशन क्रिएट हो गई, जो कि हमारे पास क्यों हुई, लिटरल ट्रांसलेशन की वजह से। ओके, उसके बाद डीलिंग विद कांस्टेंट एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेजेस जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होती रहती हैं, ठीक है, तो उनको डील करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन आज से 3 साल पहले ट्रांसलेशन, उसने कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और आज कोई बंदा उसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो हो सकता है कि कुछ उसने ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हो जो उस टाइम पे हो, लेकिन अब के टाइम में वो एग्जिस्ट ना करती हों, वो जो है वो ख़त्म हो चुकी हों लैंग्वेज से, ठीक है। तो इस तरह से एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज को भी फोकस करना पड़ता है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है समटाइम्स। प्रोलिफरेशन ऑफ डायलेक्ट्स एंड रीजनल वेराइटीज़, कि डायलेक्ट्स जो हैं और वो जब फैलते हैं, उन चीज़ों को भी फोकस करना पड़ता है। जैसे सम डायलेक्ट्स एग्जिस्टेड इनिशियली इन द इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन लेटर ऑन वो डायलेक्ट्स हमारे पास ख़त्म हो गए थे, ठीक है। और रीजनल वेराइटीज़ हमारे पास कुछ इंग्लिश पहले सिर्फ एक ब्रिटिश इंग्लिश थी, या उसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंट रीजनल डायलेक्ट्स आ गए, जैसे कैरेबियन इंग्लिश आ गई, जैसे हमारे पास श्रीलंकन इंग्लिश आ गई हमारे पास, उसके अलावा बहुत सारे क्रियोल्स हमारे पास ऐसे थे जो डेवलप हो गए लेटर ऑन लैंग्वेज में। तो ये सारी चीज़ें कि रीजनल वेराइटीज़ भी हमारे पास डेवलप होती हैं, और उनको डील करना भी एक लिंग्विस्टिक चैलेंज साबित हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। कल्चरल चैलेंजेस, कल्चरल चैलेंजेस में हमारे पास जो है सबसे पहले हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है, अडेप्टिंग कॉन्टेंट टू मेनटेन द ओरिजिनल मैसेज एंड राइटिंग स्टाइल स्पेशली फॉर लिटरेरी एंड क्रिएटिव वर्क्स, कि हमें कल्चरल चैलेंजेस में हमें कंटेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है एज पर द कल्चर, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एक कंटेंट है, इडियम्स को ले रहे हैं हम फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ इडियम्स हैं जो कि हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, लेकिन उस इडियम को दूसरी लैंग्वेज में समझने वाला कोई बंदा नहीं है, बिकॉज उस लैंग्वेज का कल्चर डिफरेंट है और हमारी लैंग्वेज का कल्चर डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम उस इडियम को टारगेट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक हो गया। और हमें यहाँ पे राइटिंग स्टाइल को भी मेंटेन करना पड़ता है, स्पेशली जब हम लिटरेरी या क्रिएटिव वर्क्स की बात करते हैं, जस्ट बिकॉज जब हम राइटिंग स्टाइल मेंटेन करेंगे, जब हम पोइट्री को ट्रांसलेट करेंगे, तो ज़रूरी है कि वो उसकी ट्रांसलेशन पोइट्री के फॉर्मेट में ही हो। हम उसको कभी भी जो है वो उसके फॉर्मेट में नहीं कर सकते, प्रोज के फॉर्मेट में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो दिस इज़ व्हाट द बेसिक कल्चरल चैलेंज मीन्स, कि डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं राइटिंग के, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो हमें एक कल्चर को, अगर एक वर्ड को किसी दूसरे कल्चर के हिसाब से ट्रांसलेट करना है, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उस कल्चर के अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट करें, मॉडिफाई करें। अकाउंटिंग फॉर कल्चरल डिफरेंसेस एंड कम्युनिकेशंस एंड डिफरेंसेस, कि हम कल्चरल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखते होते हैं, कम्युनिकेशन और डिफरेंसेस रेफरेंसेस में खासतौर पर, जो मैंने अभी पीछे बात की थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टर्मिनोलॉजिकल चैलेंजेस। टर्मिनोलॉजिकल चैलेंजेस हमारे पास क्या होते हैं कि हमें कम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ता है। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है हमारे पास कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट फील्ड की टर्मिनोलॉजीज को हमें समझना पड़ता है। तो दैट इज व्हाट द टर्मिनोलॉजिकल चैलेंजेस आर अबाउट। ठीक है, हमें इसमें कंपाउंड वर्ड्स को भी हैंडल करना पड़ता है, हमें इसके अलावा इसमें जो है कुछ ऐसे वर्ड्स को भी डील करना पड़ता है जिसके मीनिंग्स एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मल्टीपल मीनिंग वाले वर्ड्स, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अनट्रांसलेटेबल होते हैं। अब उनके लिए हम क्या करते हैं, जो अनट्रांसलेटेबल वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज नॉन एज ट्रांसलिटरेशन। ठीक है, ट्रांसलिटरेशन क्या होती है? ट्रांसलिटरेशन इज द प्रोसेस कि जहाँ पे हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है सबवे, इंग्लिश का वर्ड है सपोज करें हम सिर्फ। ठीक है, अब ये जो सबवे का वर्ड है हमारे पास, ये वर्ड सपोज कर लें कि इसका हमारे पास जो है वो उर्दू में कोई मीनिंग हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इस सबवे को हम क्या करेंगे, हम एज इट इज इसका सबवे ही लिख देंगे, उर्दू में भी हम इसको सबवे लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये वर्क करती है ट्रांसलिटरेशन। तो यहाँ पे हम ये करते हैं, अनट्रांसलेटेबल वर्ड्स को भी हम राइट करते हैं लेकिन ट्रांसलिटरेशन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रैक्टिकल चैलेंजेस। अब प्रैक्टिकल चैलेंजेस हमारे पास क्या है? प्रैक्टिकल जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे बात आएगी कि हमने उसको फील्ड में लेके आना है, उस पर वर्क करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल चैलेंजेस में हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं कि सबसे पहले समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ टेक्स्ट जो हैं वो प्रॉपरली रिटन नहीं होते। ठीक है, पुअरली रिटन होते हैं। ठीक है, उनको डील प्रॉपरली नहीं किया गया होता, उनको राइट प्रॉपरली नहीं किया गया होता, अनक्लियर होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकोहेरेंट सोर्स टेक्स्ट होते हैं। इनकोहेरेंट सोर्स टेक्स्ट का मतलब है कि उनके अंदर कोई कोहेरेंस नहीं होती, हम उनका मीनिंग और आइडिया प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाते। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें डील करना पड़ता है प्रैक्टिकल चैलेंजेस में। मीटिंग टाइट डेडलाइंस एंड मेंटेनिंग क्वालिटी, कि डेडलाइंस को भी मीट करना होता है और क्वालिटी भी मेंटेन करनी होती है। लोकेटिंग रेलिवेंट रेफरेंस मटेरियल एंड सोर्सेज, के रेलिवेंट रेफरेंसेज भी प्रोवाइड करने होते हैं। जब भी हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं, द स्टूडेंट्स हु हैव बीन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिसर्च वो मेरी बात से अग्री करेंगे कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें रेफरेंसेज प्रोवाइड करने होते हैं, और उन रेफरेंसेज में हमारे लिए ज़रूरी होता है टू प्रोवाइड द ट्रू रेफरेंसेज। तो इस तरह से ट्रांसलेशन में भी सेम चीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रोफेशनल चैलेंजेस। प्रोफेशनल चैलेंजेस में हमारे पास क्या है कि हमें अंडर एस्टिमेशन को डील करना पड़ता है। कि अगर कोई सपोज कर लें आप एक ब्रांच में काम करें, एक फर्म में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई आपसे सीनियर ट्रांसलेटर है और वो आपके जितना केपेबल नहीं है, लेकिन होगा क्या कि लोग उसके बावजूद भी उस सीनियर ट्रांसलेटर को वर्क ज़्यादा देंगे आपकी निस्बत, इवन तो आप उससे अच्छा काम करके दे रहे हो। रीज़न, आपको लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे कि मे बी ही डू नॉट नो एज मच एज द सीनियर पर्सन नोज। ठीक है, मे बी ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स, कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसने वर्क किया नहीं, इवन तो आप उससे अच्छा काम करके दे दो। और इसी चीज़ की वजह से आप अंडर वैल्यूएशन भी आपको फेस करनी पड़ेगी कि आपको आपकी प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी, और उसी चीज़ की वजह से आपको अंडर पेमेंट भी फेस करनी पड़ेगी। तो ये एक प्रोफेशनल चैलेंज है जो ट्रांसलेशन करते हुए एक ट्रांसलेटर को फेस करना पड़ता है। Facing increased competition due to globalization, adapting to shrunken market during crisis. Next हमारे पास जो important topic है वो आ जाता है कि इन challenges को हमने overcome किस तरह से करना है, how to overcome the challenges. इन challenges को overcome करने के लिए हमारे पास जो important चीज़ें हैं, जो key strategies हैं, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अगर हम लिंग्विस्टिक और कल्चरल चैलेंजेस को ओवरकम करने की बात करें तो उसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है कि सिंप्लीफाई द सोर्स टेक्स्ट बाय रिमूविंग ईडियम, कोलोकियलिज्म एंड द कल्चरल रेफरेंसेस दैट आर डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट। यानी कि एक टेक्स्ट को जब आपने ट्रांसलेट करना है और उसके अंदर अगर आपको लिंग्विस्टिक और कल्चरल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें कि उसके अंदर से आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द सेंस कि जो कल्चरल वर्ड्स हैं, जो ईडियम्स हैं और जो कल्चरल रेफरेंसेस दिए हुए हैं, उनको एक दफ़ा रिमूव करते हैं। उसके बाद एनलिस्ट द हेल्प ऑफ नेटिव स्पीकर्स और बाइलिंगुअल एक्सपर्ट टू प्रोवाइड इनपुट ऑन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल नॉलेजेस। और इसके बाद आप एक किसी नेटिव स्पीकर की हेल्प लें या फिर किसी बाइलिंगुअल एक्सपर्ट की हेल्प लें जिसको आपकी सोर्स टेक्स्ट भी आता, सोर्स लैंग्वेज भी आती हो, आपकी टारगेट लैंग्वेज भी आती हो। उन दो से आप हेल्प लेके उस बंदे से कि आप अपने काम पे रिव्यू ले सकते हैं। ठीक है, जिससे वो आपको हेल्प करेगा। आप उससे कह सकते हैं कि वो लिंग्विस्टिक और कल्चरल नॉन्सेस को हाईलाइट करे। नॉन्स का मतलब होता है डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस। तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को हाईलाइट करें। बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस लाइब्रेरी ऑफ डिक्शनरीज, स्टाइल गाइड्स एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिसोर्सेज। तो ट्रांसलेशन करने से पहले आप एक बड़ी अमाउंट में जो है, नॉट रियली बड़ी अमाउंट में, कह सकते हैं कि आप अपने हिसाब से कि आपको लगता है कि इतनी डिक्शनरीज, इतनी चीज़ें आपके लिए इनफ है हैंडल करने के लिए टेक्स्ट को, तो आप एक सेट ऑफ डिक्शनरीज, स्टाइल गाइड्स के जो स्टाइल वो नए टारगेट लैंग्वेज के कल्चर वाले यूज़ करते हैं वो, इसके अलावा एक यू नो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिसोर्स, इन सारी चीज़ों को आप कलेक्ट कर लें। उसके बाद लेवरेज ऑनलाइन रिसर्च टूल्स लाइक एकेडमिक डेटाबेस, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट्स, कि आप जो है इन सारी चीज़ों को भी फोकस करने की कोशिश करें, इनसे भी हेल्प लें। ठीक है, एकेडमिक डेटाबेस से हेल्प लें, उसके अलावा आप डिजिटल लाइब्रेरीज से हेल्प लें, उसके अलावा आप गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट्स वगैरह से हेल्प लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टर्मिनोलॉजिकल चैलेंजेस। अब टर्मिनोलॉजिकल चैलेंजेस में आई एम सो सॉरी, मुझे ये फर्स्ट वाला देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं कि वी डील विद द सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट टू इंश्योर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। कि हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डील करने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो हैं जो एक्सपर्ट हैं उस फील्ड का, हम उस फील्ड के एक्सपर्ट बंदे से बात करें, उससे बात करके हम उसकी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ का नॉलेज गेन करें। अब ये जो पहला पॉइंट है इसमें भी यही चीज़ है कि हमें स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में रिसर्च करनी चाहिए और लर्निंग उसके बारे में पहले से करनी चाहिए ताकि हमें उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। मेंटेन अ ग्लॉसरी ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी इन ट्रांसलेशन, कि आपको ट्रांसलेशन में कंसिस्टेंसी के लिए जो है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स को पहले से कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। प्रैक्टिकल चैलेंजेस को हम कैसे डील करेंगे कि प्रैक्टिस एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट। प्रैक्टिकल चैलेंज में हमने क्या पढ़ा था, हमें डेडलाइंस मीट करनी पड़ती हैं क्वालिटीज़ को, क्वालिटी मेंटेन करते हुए। तो यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल चैलेंज को ओवरकम करने का तरीका क्या है कि अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करें, ठीक है, और उसके बाद प्रायोरिटाइजेशन करेंगे, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटाइज करें टू मीट द डेडलाइंस। यूटिलाइज ट्रांसलेशन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें, जाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करेंगे तो यू वुड बी लेफ्ट फार बिहाइंड फ्रॉम द वर्ल्ड। Build relationships with reliable translation agencies or freelancers who can handle urgent requests. या आप different agencies या freelancers से develop कर सकते हैं relationships, जो कि अगर आपके लिए time management का issue है तो वो आपको help out कर सकते हैं by translating your word. ठीक है। Last हमारे पास है professional challenges. Professional challenges को deal करने के लिए हमारे पास सबसे important चीज़ है कि हम feedback लें, ठीक है, उसके अलावा constructive criticism लें, client से, colleague से लें और एडिटर्स से लें ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें कौन से एरियाज पे वर्क करने की ज़रूरत है। अडॉप्ट अ माइंडसेट ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू रीडिंग, ट्रेनिंग एंड कोलैबोरेशन। स्टे अप टू डेट विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स, अडैप्ट टू द चैलेंजेस एंड ट्रांसलेशन लैंडस्केप्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। आज का हमारा टॉपिक जो था वो था ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन, बट द वीडियो इज गेटिंग वेरी लेंथी, सो आई विल बी डीलिंग विद द सेकेंड हाफ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. So yeah, that's it for today's lecture. I will see you in the next one. Till then, stay safe. Thank you for watching. And one more thing, if you have any question and query, do not hesitate to ask that in comment section and I will answer that for sure. Yeah, thank you so much for watching.